नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। यदि आप आते हैं डीजी कैटेगरी में तो आपके बच्चे का दाखिला किन किन कक्षाओं में हो सकता है, इसके संबंध में मैं आपको आज जानकारी देने जा रही हूँ। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आपके ढेर सारे कमेंट्स हजारों की संख्या में मुझे रोज मिलते हैं और आपके सभी कमेंट्स का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता, इसीलिए आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स के सवालों पर आधारित जवाब पर मैं वीडियो लेकर आती हूँ। तो कभी ऐसा हो कि आप मुझे कमेंट लिखें और आपको आपकी कमेंट पर जवाब ना आए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका कमेंट पढ़ा जा चुका है और आपके कमेंट पर जो सवाल है उसके जवाब पर आधारित वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो आज का सवाल, डीजी कैटेगरी के तहत किन कक्षाओं में दाखिला हो सकता है? तो डीजी कैटेगरी के तहत, जिसे डिसएडवांटेज ग्रुप कहते हैं, उसके तहत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला हो सकता है। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में बच्चों का दाखिला हो सकता है यदि आप डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके मन में कंफ्यूजन होगी कि मैम आप तो कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस प्रीशिप कैटेगरी के तहत कक्षा 9वीं तक दाखिला होता है। ईडब्ल्यूएस प्रीशिप कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी है, ये दोनों सेम कैटेगरी नहीं है। तो यदि आप डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं तो नर्सरी, केजी और पहली में, और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो नर्सरी से लेकर 9वीं कक्षा तक दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चों का दाखिला हो सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी समय समय पर मैं आपके लेकर आती रहूंगी। यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।